करनाल में लूट का ऐसा मामला सामने आया जहां लुटेरों ने फिल्म स्टाइल में ऊंचा समाना गांव के नजदीक जीटी रोड पर स्थित पेट्रोल पंप पर लूट को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार तीन बदमाश चोरी की बाइक पर पेट्रोल डलवाने के लिए आए। बदमाशों ने पेट्रोल डलवाने के बाद बाथरूम की साइड पूछकर सेल्समैन पर पिस्तौल तान दी, जिससे बदमाश 20,000 लूटकर फरार हो गए। वारदात हुई जी, वो मोटरसाइकिल स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पे आए हैं तीन जने। पहले उन्होंने 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया, पेट्रोल डलवाने एक लड़का मेरे पास खड़े हो गया गन्ने के, और दो लड़के पीछे बाथरूम के बाद वो उन पे गन लगा ली, उसकी भी कैश ले ली, मेरी भी कैश ले ली, उन्होंने मोबाइल भी निकाल लिया मेरा, और फिर उसको वहाँ से द्वारपुर से धक्का दे दिया। शिशपाल वहाँ था नहीं आना। तो पहले पेट्रोल डलवाया? पहले 200 रुपये का पेट्रोल डलवाया। आप कितने लोग थे यहाँ पे? दो लड़के हम यहाँ थे जी, एक खाना लेने के लिए जा रहा था, एक भाऊजी हमारा अंदर था। तो उसके बाद अंदर भी गया? वो अंदर भी गया जी। उसके बाद मैंने जब द्वार से धक्का दे दिया, उन्होंने फिर अंदर गया, अंदर गल्ला तोड़ा। सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है बदमाशों ने कैसे वारदात को अंजाम दिया। इसी दौरान बदमाशों ने सेल्समैन शीशपाल को दीवार के दूसरी ओर फेंक दिया, जिससे उसकी टांग टूट गई। बाद में अन्य कर्मियों ने इसकी सूचना पेट्रोल पंप मालिक को दी। सूचना मिलते ही पेट्रोल पंप मालिक पहुंचकर घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसको जैसे वो लड़का उस तरफ गया ना जी दीवार की तरफ, तो उस लड़के को उन्होंने उठा के नीचे फेंक दिया ताकि मैन पावर कम हो जाए और मतलब अच्छी तरह। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, चेंजिंग।